नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मेरे वीडियो ब्लॉग के शीर्षक से स्पष्ट है कि मीडिया ही गुनाहगार है, मगर यह चर्चा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, यह करने से पहले सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मोदी सरकार को, बीजेपी को बधाई देना चाहूंगा। और वाकई आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज, इसलिए मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। मैं आपके लिए क्यों ताली बजाना चाह रहा हूं, क्योंकि यकीनन आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मीडिया को इस कदर मैनेज नहीं किया। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर पहुंच रहा है, मगर मीडिया क्या बहस कर रही है। मीडिया यह बहस कर रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो धार्मिक यात्रा पर हैं, वो असली शिव भक्त हैं या नहीं हैं। ऊपर से पाकिस्तान के अघोषित पर्यटन मंत्री गिरिराज सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी गए ही नहीं यात्रा पर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, किसानों की समस्याएं, इन पर टीआरपी नहीं मिलती। सवाल यह कि जिस उग्र तरीके से, जिस संजीदगी से, जिस तरह से ताल ठोक कर इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, कहीं किसी न्यूज चैनल पर नहीं हो रही। और यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बधाई देना चाहूंगा मोदी सरकार को कि उन्होंने मीडिया किस कदर से मैनेज किया है। अब आप कहेंगे कि साहब हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल में टीआरपी ना मिलती हो, रेटिंग्स ना मिलती हो, शायद इसलिए वो उस पर बहस ना कर रहे हो। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप खुद बताइए, जिस मुद्दे का सीधा संपर्क आम इंसान के साथ है, यानी कि पेट्रोल डीजल, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से चैनल पर रखेंगे तो क्या आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे? लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। मगर बहस किस पर हो रही है? राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। कैलाश या मानसरोवर यात्रा पर और राहुल गांधी शिव भक्त हैं या नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ न्यूज चैनल्स, गौर कीजिएगा, कुछ न्यूज चैनल्स जो हैं वो अपनी टीआरपी तक को ताक पर रखकर राहुल गांधी पर बहस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हम सब पर उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो जबकि यह मुद्दा पूरे देश के लोगों से जुड़ा है, बावजूद इसके अगर मीडिया इसे नहीं उठा रहा है, जिसका मतलब है कि आप अपनी टीआरपी की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप अपनी टीआरपी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, किसके लिए? एक अघोषित फरमान के लिए, एक अदृश्य फरमान के लिए जो आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से या सूचना मंत्रालय से, या फिर वो जिनका नाम नहीं लिया जा सकता वहां से आया है। और आप राहुल गांधी पर बहस कर रहे हैं। आप राहुल गांधी पर क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दा धर्म का है, और जाहिर सी बात है, जब मुद्दा धर्म का होगा तो उन्माद और पैदा होगा। देखिए, मीडिया का गुनाह सिर्फ यह नहीं है, और मैं फिर दोहरा दूं, मैं पूरी मीडिया को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, मीडिया का गुनाह सिर्फ यह नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं उस पर पुरजोर बहस नहीं कर रहा है। मीडिया का गुनाह यह रहा है पिछले 2-3 सालों में कि वो ऐसे ऐसे मुद्दों पर बहस और ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, बुनियादी मुद्दों की बलि देकर, जिससे लोगों में सिर्फ दोहराव पैदा होता है, लोगों में सिर्फ टकराव पैदा होता है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर आप पेट्रोल का मुद्दा उठाते हैं तो लोगों में टकराव नहीं पैदा होगा, तब लोग इस सरकार से सवाल करेंगे, उसके दोहरे मापदंड से सवाल करेंगे कि जब आप विपक्ष में थे तब आप क्या करते थे, तब लोग ऐसे सवाल करेंगे। और यही नहीं, भूल जाइए पेट्रोल और डीजल के दाम, एक और मुद्दा जिसने कहीं जगह नहीं पाई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से दिल्ली में किसानों और मजदूरों की रैली हुई,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने न्यूज चैनल्स ने इसे पुरजोर तरीके से कवर किया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये वो रैली की भीड़ है, ये वो किसान और मजदूर हैं जो इन चेहरों के साथ, इन आंसुओं के साथ आपके बीच दिल्ली में आए थे। मगर क्या आपने इनकी आवाजें सुनी? क्या आपने इनकी आवाजें सुनी? आपने इनकी आवाजें नहीं सुनी, क्योंकि शायद एक और अदृश्य फरमान आ गया इस आवाज को दबाने के लिए। इस आवाज को दबाने के लिए शायद एक और अदृश्य फरमान आ गया, यानी कि पेट्रोल डीजल पर बहस नहीं, और दूसरी तरफ किसान और मजदूर जो पहुंचे थे और उनकी डिमांड्स क्या थी, उनकी डिमांड्स सिर्फ ये थी कि आप 1 करोड़ आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को पहचान दें, आप लेबर लॉस को इंप्लीमेंट करें, आप सबको खाद्य की सुरक्षा दें, आप उनको न्यूनतम वेज दें, न्यूनतम सैलरी दें। ये तमाम मांग लेके आपके बीच में आए थे, मगर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया मीडिया के एक बड़े धड़े ने, 99% धड़े ने। और इस मुद्दे ने जगह पाई कहां पर? वायर जैसी डिजिटल वेब प्लेटफॉर्म्स पर, या नेशनल दस्तक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे। इस जगह ने जगह बिल्कुल भी नहीं पाई हमारे मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में। आप मुझे बताइए, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है जब मीडिया इसे सिरे से खारिज कर दे। मगर मैं कहता हूं, चलिए यह भी आपका गुनाह माफ है, मगर जो चीज अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि मीडिया आपको बदनाम कर देगा, और बदनाम किसे? आम इंसान को। मीडिया आपको आतंकवादी बता देगा और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने रिपब्लिक टीवी से यह मांग की। क्या मांग की? कि वो जिग्नेश मेवानी के दौरान, जिसे रिपब्लिक टीवी ने कहा कि यह फ्लॉप शो था, उस दौरान उनकी रिपोर्टर शिवानी गुप्ता के आसपास कुछ लोग खड़े थे, जिन्हें चैनल के मालिक ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो था, आई एम गोइंग टू शो दीज क्रूड ल्यूड हाइनाज, शो द डर्टी फेसेस ऑफ ल्यूड चीप वल्गर सेक्सिस्ट परवर्ट एंड इंडियन गून्स। गुंडे बताया, सेक्सिस्ट परवर्ट बताया, चीप बताया, वल्गर बताया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उनके चेहरे पर गोला बना बना के। और क्या आप जानते हैं, जब इस तरह का हमला रिपब्लिक टीवी कर रहा था, उसमें एबीपी न्यूज के जैनेन्द्र कुमार के भी चेहरे पर गोला बनाकर बताया कि यह आदमी है जो हमारी रिपोर्टर को छेड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था और अर्नब गोस्वामी को ऑन एयर माफी मांगनी पड़ी थी। मगर अर्नब गोस्वामी ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि ये चैनल ने मुद्दा उठाया था। मगर दूसरी तरफ प्रतिष्ठा सिंह अपने पति के लिए लगातार माफी मांगने के लिए अपील कर रही है। और यही नहीं दोस्तों, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है मीडिया की, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, उसने रिपब्लिक टीवी को कहा है कि आप माफी मांगिए। मगर बेहयाई और बेशर्मी का यह आलम है कि उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। आप मुझे बताइए, आपको कोई सेक्सिस्ट परवर्ट इस तरह के शब्द आपके लिए इस्तेमाल करे आपके चेहरे पर गोला बनाकर, और आप एक ऐसे शख्स हैं जिसकी, जो बड़े बड़े धन्ना सेठों से मुकाबला नहीं कर सकता, आपकी इज्जत को तार तार एक चैनल कर देता है और अब उस पर माफी भी नहीं मांगता है, माफी भी नहीं मांगता है। और ये माफी किसी और ने नहीं, हमारी अपनी रेगुलेटरी बॉडी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है रिपब्लिक टीवी से मांगने के लिए, मगर रिपब्लिक टीवी बिल्कुल भी माफी नहीं मांग रही है।
ये तो सीना जोरी है, ये भाव तो एक दबंग नेता का है, ये भाव तो सीवान के डॉन शहाबुद्दीन का है कि मैं जो मर्जी कर सकता हूं और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब इन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार को गालियां दी थी, उल्टे सीधे आप शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब माफी कैसे मांगी थी, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, अब उस वक्त कैसे माफी मांगी गई थी वो आप खुद सुनिए। On Republic TV. Here it is. On the debate yesterday, we inadvertently circled the visual of a reporter from ABP News, Jainendra Kumar, while running pictures of our news editor, Shivani Gupta, being targeted by individuals present at the Jignesh Mevani rally. It was a genuine error, an oversight by our video editor, and not intentional. It was brought to our notice that Jainendra Kumar was merely reporting for his channel from the location. Therefore, we wish to convey our apology for the error, which we reiterate was unintentional. When this was brought to the notice of the editor-in-chief of Republic TV on late Tuesday evening, he immediately spoke to the editors at ABP News and the reporter to express on behalf of Republic TV as well as the video editor an apology and regrets as per the highest norms of corrigendum and clarification on such editorial matters. तो देखा आपने, यहां पर आप देख रहे हैं कि एबीपी ने उससे माफी मांगी, मगर आपने इसमें देखा, इसमें उनका यह कहना था कि एडिटर यानी कि वो शख्स, एडिटर से उनका मतलब है जो रिपोर्ट को एडिट करता है, यानी कि एक विजुअल के बाद, एक तस्वीर के बाद कौन सी तस्वीर जानी है और उसके बाद किसका साउंड बाइट जाना है, उसे एडिट करता है। यह गलती उसकी थी, यह अपने आप में किस तरह की गलत बयानी है। मैं न्यूज चैनल्स में काम कर चुका हूं और मैं जानता हूं, जब भी इतना बड़ा मुद्दा होता है तो काम सिर्फ वीडियो एडिटर का नहीं होता है, उसके साथ एक प्रोड्यूसर बैठता है, उसके साथ एक पत्रकार बैठता है। मगर आपके अंदर इतना अहंकार है, आपके अंदर इतना अहंकार है, आपके अंदर इतनी दबंगई की भावना है कि आप यह भी देखना भूल गए कि जिस व्यक्ति को आप गुंडा बता रहे थे वो एक रिपोर्टर है। और अब इस देश के आम इंसान को आपने सेक्सिस्ट परवर्ट बताया और आप माफी नहीं मांग रहे हैं। आप माफी नहीं मांग रहे हैं। आप क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? क्योंकि आपको पता है सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जिसके एक नेता जो कि राज्यसभा सांसद है राजीव चंद्रशेखर, वो इस चैनल के मालिक हैं, वो इस चैनल के सर्वे सर्वा हैं। यानी कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है दोस्तों। इस देश के आम इंसान की आवाज, वो सवाल पूछना चाहता है, उसे सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे। जो लोग उसके हक में सवाल उठाते हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। और जब आपकी गलती पकड़ी जाती है, तो आप माफी भी नहीं मांगते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी न्यूज ने एक मुशायरे में, जिसमें गौहर रजा, साइंटिस्ट गौहर रजा शरीक हो रहे थे, उस मुशायरे को अफजल प्रेमी गैंग बताया था। और क्या आप जानते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने जी न्यूज से कहा था कि आप माफी मांगिए, मगर जी न्यूज ने आज तक माफी नहीं मांगी। ये देखिए, ये क्विंट की रिपोर्ट है। Why didn't Z apologize to Gauhar Raza? Is media regulation a bad joke? इसका अर्थ क्या हुआ कि मीडिया रेगुलेशन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, मगर इसकी मौजूदगी के बावजूद हमारे चैनल्स जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां जो है उस पर वो माफी नहीं मांगते, हैं। और ये वो न्यूज चैनल्स है जिनका एक इतिहास रहा है इस तरह की गलतियां बार बार दोहराने की। और मैं आपको बता दूं, जिस न्यूज चैनल की मैंने अभी बात की, उनका एक पत्रकार जब एक दूसरे न्यूज चैनल का हेड था, तब उसने अपनी खबर में गलत, अपने चैनल में गलत खबर चलाई थी। उसने एक मासूम, एक बेकसूर औरत को
वैश्याओं की दलाल बता दिया था, उस औरत को बुरी तरह से भीड़ ने लगभग मार डाला था, मार डाला था। एक झूठा स्टिंग ऑपरेशन था ये दोस्तों। यही चैनल, इसी चैनल का एक पत्रकार जिसका मैंने बात किया, जिसने अफजल प्रेमी गैंग चलाया, उसके चलते उस चैनल को एक महीने तक बंद रहना पड़ा था। यानी कि गुनहगार वही है। ये जब अपने पहले चैनल्स में थे वहां पर भी यही हरकतें करते थे। इन्हीं लोगों को हमने कैमरे पर देखा है रिश्वत और घूस मांगते हुए, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। और इन्हीं के एक चैनल को जिसके ये प्रमुख थे उसे एक महीने के लिए बंद कर दिया गया था। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब किसी चैनल को एक महीने के लिए बंद कर दिया गया हो। और इन दोनों न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, चाहे जी न्यूज हो, रिपब्लिक टीवी, इन दोनों ही न्यूज चैनल को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने माफी मांगने के लिए कहा, मगर ये माफी मांगने को तैयार नहीं है, जिससे पता चलता है कि मीडिया रेगुलेशन अपने आप में कितना बड़ा मजाक है। यानी कि आपको कोई कुछ भी बता देगा, आपकी कोई आवाज नहीं है। दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं ना, ये दरअसल राजनेताओं से भी बदतर हैं, क्योंकि राजनेताओं की जवाबदेही जो है वो 5 साल में तय हो जाती है। आपने जो गलती की आप उसकी सजा देंगे, मगर ये न्यूज चैनल्स बार बार झूठ, बार बार गलत बयानी करते रहते हैं, मगर इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनको माफी मांगने के लिए कोई दूसरा चैनल नहीं कह रहा है, वो रेगुलेटरी बॉडी कह रही है जिनका सब पर कंट्रोल है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। मगर बावजूद इसके ये लोग माफी नहीं मांग रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी। जिसका अर्थ यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको याद होगा एक पत्रकार ने किस तरह से कासगंज पर झूठ कहा था। उसने क्या झूठ कहा था मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उसने यह झूठ फैलाया था कि कासगंज में मुसलमान तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा झूठ था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे को मैंने उठाया था, उसके बाद उस चैनल को एक जिम्मेदार रिपोर्टर को जमीन पर भेजना पड़ा था, और उसने सही तस्वीर फिर पेश की, मगर उस पत्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो ये झूठ फैला रहा था। अजीब और गरीब स्थिति है दोस्तों। मीडिया की जवाबदेही नहीं है, वो कुछ भी कहते हैं, और हम ये नहीं समझ रहे हैं, जब आपकी जवाबदेही नहीं होगी, जब आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, जब आप सत्ता के चाटुकार बने रहेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता खत्म होगी। अगर आज मैं मीडिया की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा हूं, अगर आज मैं ये कह रहा हूं कि हमें सत्ता से तीखे सवाल करने चाहिए, तो उसके पीछे के मर्म को समझिए, क्योंकि अगर हम सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो हम में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, हम में कोई पैसे नहीं डालेगा, और जब हम में कोई पैसे नहीं डालेगा तो पत्रकारों की सैलरीज नहीं आएंगी, उनकी तनख्वाह नहीं आएगी। आप ये मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं आपसे कहता हूं सत्ता से सवाल उठाइए, तो इसके पीछे का मकसद यह है कि हमारे घर का चूल्हा चल सके, और कोई वजह नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग ये कहते हैं कि यार आपको तो मोदी में ही बुरा दिखाई देता है। अरे तो भाई सत्ता किसकी है? और मैं मोदी सरकार से इसलिए सवाल उठाता हूं क्योंकि 99% मीडिया, 99% मीडिया जो है वो मोदी सरकार से सवाल नहीं उठाता है, उसकी भक्ति करता है। तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना, किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर रहे हैं। लिहाजा जिन पत्रकारों को मेरे मोदी सरकार से सवाल उठाने पे प्रॉब्लम है, उन्हें यह समझना चाहिए कि भैया मैं तुम्हारी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम्हारी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी रोजी रोटी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अगर तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो तुम में कोई पैसे नहीं लगाएगा और कल को तुम सड़क पर आ जाओगे। अपने आप में बहुत दुखद है। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि नंबर एक विश्वसनीयता, नंबर दो जवाबदेही, नंबर तीन सत्ता में बैठे लोगों से सवाल। अगर आप अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो अपने आप में इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती।
कुछ नहीं हो सकती। गलती मां अपनी माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। मगर यहां पर रिपब्लिक टीवी ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के फरमान जारी करने के बावजूद, जी न्यूज ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के फरमान जारी करने के बावजूद माफी नहीं मांगी, क्योंकि आपने तो उन लोगों को सेक्सिस्ट पर्वर्ट बता दिया, आपने उन्हें आतंकवादी बता दिया, आपने उनकी जान को जोखिम में डाल दिया, आपने उनकी इज्जत की को तार तार कर दिया, मगर आपकी जवाबदेही कुछ नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। और बहुत ही निराशावादी तर्क पर मैं ये वीडियो ब्लॉग खत्म करना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हम डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, और इसके लिए इतिहास मीडिया को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार। और आप लोगों में से जो जो इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं, कुछ देर में मैं इसे अपनी YouTube चैनल पर डालूंगा, आप वहां पर टिप्पणी कर सकते हैं, या फिर आप Facebook पर इसे शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी ऊपर डालिए। ख्याल रखिएगा अपना। हैव अ लवली वीकेंड। नमस्कार।